जब से बच्चों ने प्रैक्टिस पेपर देखा है जो सीबीएसई ने 8 सितंबर को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है, उस पेपर को देखने के बाद बच्चों के माइंड में सिर्फ दो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा और पेपर कहां से आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस दोनों प्रॉब्लम का सलूशन देने आया हूँ और एक पूरा प्लान आपको बताने आया हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए। जो सीबीएसई ने दो पेपर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज करे हैं, एक आपका 4 महीने पहले सैंपल पर रिलीज किया था और जो अभी रिसेंटली प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आपका रिलीज किया है, उन दोनों को पेपर को एनालाइज करते हुए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर आपका कैसा आने वाला है और पेपर आपका कहाँ से आएगा। क्योंकि हमने पूरे दोनों पेपर को एनालाइज करते हुए देखा है कि आपके कौन से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए गए हैं, कौन सी बुक यूज की गई है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और पूरे वॉच करें, तब भी आपको एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जब बच्चा सोचता है कि यार पेपर कहाँ से आएगा, तो वो हमेशा सिर्फ एक ही आंसर सोचता है अपने माइंड में, या तो उसके एनसीईआरटी आएगी, या तो आरडी शर्मा आएगी, या तो सैंपल पेपर आएंगे। बट यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आपको वही क्वेश्चन आपको पहले करा दिए जाए जो आपके पेपर में आने वाले हैं, तो आपके क्या 95% आ सकते हैं? यस, आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसका आंसर बताता हूँ कि आपका पेपर कहाँ से आएगा। पेपर कहाँ से आएगा, तो इसके लिए हमने सैंपल पेपर को सबसे पहले एनालाइज किया जो आपका रिलीज हुआ था 4 महीने पहले सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके जब हमने क्वेश्चन को देखा और देन उसके बाद जो रिसेंटली 2 दिन पहले जो आपका सैंपल पेपर एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के नाम पर जो रिलीज हुआ है, तो उस पेपर को पूरा एनालाइज किया। तो यहाँ पर हमने एक पूरा पाई चार्ट यहाँ पर आपको ड्रॉ किया जो आपको यहाँ पर आप दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपका पाई चार्ट ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है, ये पाई चार्ट आपका दोनों पेपर को एनालाइज करते हुए बनाया गया। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, 20% आपके जो क्वेश्चन आपके टोटली एनसीईआरटी से निकाले गए हैं, आरडी और आरएस अग्रवाल में से 18% क्वेश्चन आपके निकाले गए हैं, 10% आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में अच्छे होते हैं, और देन 52% आपके जो क्वेश्चन है वो आपके क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो मतलब यहां से आपका जो ये दोनों पेपर आपके बनाए गए हैं वो इस पैटर्न से बनाए गए हैं जिसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मेंशन है और देन उसके बाद आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल के भी एग्जांपल्स के भी और प्रीवियस क्वेश्चन के भी है। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि इस साल का जो आपका पैटर्न है वो आपका इस पैटर्न आने वाला है कि जो आपकी कॉम्प्रेंसिव बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके 40% है और देन उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 40% और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 20%। तो दोनों पेपर को एनालाइज करते हुए, क्योंकि पहला पेपर तो आपका टोटली ईजी था, बट जब आप सेकंड पेपर देखोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो अभी रिसेंटली आपका रिलीज हुआ है, उसमें आपके क्वेश्चन तो ईजी है बट उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा घुमा के एप्लीकेशन बेस्ड की फॉर्म में बनाया गया है। तो इस करके आप उस पेपर को देखकर निराश मत होइए और आप ये मत सोचिए कि यार हमारा पेपर कैसा आने वाला है। पेपर आपका मीडियम भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, बट इजी तो नहीं होगा, इतना तो मैं आपके माइंड से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको झूठे वादे नहीं देने आया कि आपका पेपर इजी आने वाला है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पेपर इजी तो आएगा नहीं। पेपर यहाँ तो आपका मीडियम आएगा, या तो मीडियम से थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या था, एक आपका पाई चार्ट मैंने आपका ड्रॉ कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर जो आपका लेटेस्ट आपका प्रैक्टिस पेपर जो बना गया है और उसके अकॉर्डिंग और साथ के साथ जो आपका सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था 4 महीने पहले उसके अकॉर्डिंग। तो अब आपको पता चल गया है कि जो आपके दोनों पेपर है वो आपके कौन सी बुक्स में से यूज हो रहे हैं। तो इसलिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करें और साथ के साथ आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर करें, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 52% आपके जो परसेंटेज है वो आपकी प्रीवियस क्वेश्चन की है। तो इसलिए अगर आपके पास अगर आरडी शर्मा नहीं है या फिर आरएस अग्रवाल नहीं है, एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन मिल जाती है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और देन उसके बाद बात होती है प्रीवियस क्वेश्चन की। प्रीवियस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मैं आपको एज ए वर्कशीट आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो ऑल इन वन आप एक गाइड ले रहे जिसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन आपके पूरा कवरअप हो जाएंगे, साथ के साथ अदर सब्जेक्ट भी आपके कवरअप हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका वर्कशीट आपकी चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज है, आपकी टॉपिक वाइज है, ये आपकी ओसवाल गुरुकुल की क्लास 10 मैथ्स के आपका क्या है वर्कशीट है, जिसमें आपके साइंस एसएसटी और मैथ्स के हर एक चैप्टर के 3-3 आपकी वर्कशीट बनी हुई है जिसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन मेंशन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन है, तो आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं लेनी तो देन मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर एक और बुक यहाँ पर रिकमेंड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपकी ओसवाल गुरु के लिए ऑल इन वन गाइड है जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट नहीं आपके 5 सब्जेक्ट कवरअप हो जाएंगे और इसमें आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एज पर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये तो होगी रेफरेंस बुक। अगर आपके पास अगर आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल नहीं है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक भी नहीं है, तो आप इस बुक को ले सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ओपन करके इस बुक को परचेज कर सकते हो। तो ये तो बात होगी कि आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि तैयारी कैसे करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी शुरुआत
नहीं करी है, बिकॉज इस टाइम तक आपकी तैयारी 70% तक हो जानी चाहिए थी। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी या तो 40% होगी या तो 50%, मतलब कि जो आपके टोटल चैप्टर्स है उसका 50% आपने कर लिया होगा, कई बच्चों ने 40 कर लिया होगा, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो करके बैठ गए होंगे। बट यहाँ पर बात ले हो रही है पूरे ओवरऑल स्टूडेंट्स की, तो इस करके यहाँ पर मैं आपके लिए एक पूरा एक आपको यहाँ पर ग्राफ आपको समझाऊंगा, जिससे आप उसको अगर फॉलो करोगे तो आपके विद इन 1 या 2 मंथ में आपके और सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और साथ के साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पर आपका ग्राफ मैंने किस बेसिस से बनाया है कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे ऊपर की तरफ जाओगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, अगर आप राइट साइड में जाओगे तो आपके चैप्टर्स का डिफिकल्टी लेवल आपका इंक्रीज होगा। यहाँ पर जो आपके बॉक्स में आपको नंबर्स इंडिकेट हो रहे हैं आपके चैप्टर्स है, तो यहाँ पर मैंने इसको अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू डेयर डिफिकल्टी लेवल और वेटेज के अकॉर्डिंग, बिकॉज जैसे आपको पता है कि चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैट्स आपका क्या होता है, सबसे ईजी होता है, और इसके अगर आप इसको गो ऑन इंक्रीजिंग करोगे तो वेटेज भी आपकी बढ़ेगी, तो इस करके 7 और 14 सबसे आपका ईजी है। देन आप आगे मूव ऑन करोगे तो आपका लेवल इंक्रीज होगा पॉलीनोमियल रियल नंबर्स और देन प्रोबेबिलिटी, इसका लेवल थोड़ा सा अप होता है एज कम्पेयर टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैट्स के। देन आप आगे जाओगे तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशन सर्कल ये आपके चैप्टर आ जाएंगे, तो आप इस सीक्वेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो चैप्टर। और अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि आपने 7 और 15 कर लिया, देन उसके बाद 1 और 10 कर लिया, 2 और 8 कर लिया, 5 और 9 कर लिया, तो आप ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में और अकॉर्डिंग टू देयर हार्ड लेवल के अकॉर्डिंग आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करें। बिकॉज यहाँ पर मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि आपका चैप्टर का कौन सा वेटेज कितना है और कितना उसका हार्ड लेवल है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे अरेंज किया है कि अगर आप राइट साइड जाओगे तो आपका क्या होगा लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करें और वेटेज के अकॉर्डिंग, बिकॉज जो ये मैंने बनाया वो अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज बनाया है, अकॉर्डिंग टू देयर डिफिकल्टी लेवल और अकॉर्डिंग टू देयर डिलीटेड पोर्शन के अकॉर्डिंग आपको बनाया है। तो मतलब ये तो आपको पता चल गया कि अब अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है और अपने अपने चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करने हैं। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि बच्चे कहते हैं कि सर जब भी हम चैप्टर करने लगते हैं तो हमें क्वेश्चन नहीं आते कैसे करें, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उसको पूरा ध्यान से समझे, देन उसके बाद उसको अगेन प्रैक्टिस करें, ये नहीं कि एक बार कर लिया तो उसके बाद छोड़ दिया। जब आप चैप्टर्स मूव ऑन करते जाओगे तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को अगर सपोज पहले 2 चैप्टर आपने कर लिए, तीसरा चैप्टर अगर आप उठाने लगे हो तो आप सोचोगे यार पहले 2 चैप्टर तो मुझे आते नहीं है, तो इस करके उसके लिए आप क्या करो एक मैजिक बुक बनाओ। मैजिक बुक मतलब जब भी आप कोई भी अगर चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो उस बुक में आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, बस सारे क्वेश्चन आप लिखते चले जाएं पर पूरा सॉल्व ना करें, क्या क्या आपके डिफिकल्ट उसमें आप मिस्टेक कर रहे हो क्वेश्चन में वो आप यहाँ पर लिखिए और पहला स्टेप लिखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को शुरुआत करना है। बिकॉज जब आप क्विक रिवीजन करोगे तो आप देख लोगे कि इस क्वेश्चन में हमने क्या मिस्टेक करी थी और कैसे स्टार्ट करना है, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। तो इस करके आप एक अपनी मैजिक बुक बना सकते हो जो आप अपने ड्यूरिंग एग्जाम या फिर बिफोर एग्जाम टाइम आप उसको रिकॉल कर सकते हो, और साथ के साथ एक अपना फॉर्मुला बुक जरूर बनाए, बिकॉज बच्चों को फॉर्मुला याद नहीं होते बिकॉज वो सिर्फ एक बार क्वेश्चन को करते हैं और सिर्फ उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसलिए जब भी आप अगर चैप्टर कर रहे हो और कंप्लीट हो रहा है तो एक नोटबुक अलग बनाए जिसमें आप सारे फॉर्मुलेस को लिखे और ड्यूरिंग एग्जाम या फिर बिफोर एग्जाम उसको रिकॉल कर सके और उसको रिवाइज कर सके। तो इसलिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके पास शेयर करो, तभी आप क्या कर सकते हो 95 से अब लेकर आ सकते हो। तो ये तो बात होगी कि आपके फॉर्मुले कैसे लर्न करने हैं और आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होना है। अब इसके बाद बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हमारा पेपर कैसा आएगा, पेपर हार्ड आएगा या फिर लो आएगा। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने देख रहे हो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो अभी सीबीएसई ने रिसेंटली पब्लिश किया है उसका जो लेवल देखा जाएगा तो वो आपको टफ लग रहा है, बिकॉज क्वेश्चन आपको घुमा के डाले गए हैं। अगर आप उसका सोल्यूशन देखोगे तो आपको काफी इजी लगेगा, तो इस करके वो पेपर आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया गया, तो इतना कॉम्प्लेक्स आपका पेपर नहीं आने वाला, पेपर आपका या तो मीडियम आएगा या तो थोड़ा सा मीडियम से अब इजी नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर कैसा आएगा, पेपर आने वाला है या फिर मीडियम या फिर थोड़ा सा मीडियम से अबव आएगा, बट बिल्कुल टफ नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। मीडियम से थोड़ा सा अप लेवल हो सकता है बट एकदम इजी भी नहीं आने वाला ना ही हार्ड आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको काफी चीजें आपको समझा दी हैं, तो इन सारी चीजों को आप फॉलो करें तो आप डेफिनेटली ला सकते हो अपने पेपर में 95+ से अबव। तो इन सारी टिप्स को आप फॉलो करें जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो इस करके यहाँ पर आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ कि सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो करें, एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आपके पास आरडी शर्मा और आरएस करवाला है तो उसके एग्जांपल आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो, और साथ के साथ आप अपने एग्जाम क्लियर करें, प्रीवियस क्वेश्चन आप जरूर करें, और जिसके साथ साथ मैंने आपको एक बुक रेफर करी आप उसको कर सकते हो, और साथ के साथ आप अपना एक मैनेजमेंट रखें कि आपको चैप्टर्स कौन से करने हैं पहले और कौन से बाद में करने हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज और अकॉर्डिंग टू देयर हार्ड लेवल डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग, तब भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं करी है तो आप लग जाइए, बिकॉज टाइम आपके पास कम रह गया है। तो इसलिए ऑल द बेस्ट, आज से आप इस
पूरे प्लान को आप देखकर अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। मैं गारंटी कहता हूँ कि अगर आप इसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके 95 से अब आने वाले हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।